एक तोड़ के दिखा देती हूँ, देखो कितना खस्ता बना है। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। सबसे पहले एक बिग वाला सॉरी कि टाइम पे आपके साथ मिलने नहीं आ पाई। कुछ रीज़न के वजह से बहुत ज़्यादा गैप हो गया। वैसे आप कितना मिस कर रहे हो वो तो आपको पता है, आप लिख के बताओगे। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी आप सबको। आइए आज घर का काम करते करते आपके साथ बातें करते हैं। रोज़ मैं सोचती हूँ चावल धोने के बाद पानी पौधों में डालूंगी, लेकिन हर रोज़ ना भूल जाती हूँ और फेंक देती हूँ। आज याद से डाल के आऊँगी। और ये देखो मिल्क 2 दिन से जमा हो रहा था तो सोचा आज मिल्क को फाड़ के कुछ बनाते हैं। चलिए जब बनाऊँगी तब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यूज़ करने के बाद ऐसे यूज़ लेमन को आप रख सकते हो पानी में डिप करके एक छोटे से कंटेनर के अंदर, ताकि बाद में आप इसको रीयूज़ कर सको किसी चीज़ को क्लीन करने के लिए। और हाँ, ऑब्वियसली इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। भले ही पेड़ पौधे बातें ना कर पाए, लेकिन अगर आप प्यार करोगे उसका नतीजा भी आएगा। बट मेरे साथ ऐसा तो होता नहीं है। इतना प्यार करती हूँ, इतना खुश होती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से कीड़े आके पत्ते को काट के चले गए। मेरे पास ज़्यादा देर तक टिकते ही नहीं है पेड़ पौधे। बट ये देखो कलियाँ आए हैं, फूल खिलेंगे नए नए, अच्छा लग रहा है। जैसे कि ये बोगनविला, इस टाइम पे ना बोगनविला में बहुत ज़्यादा फूल आते हैं, तो देखते हैं। मैं तो सफ़ेद रंग के लेके आई थी अपने पसंद का, और ये गुलाब आहानू के पसंद का, क्योंकि उसको गुलाब बहुत पसंद है। और ये जो बोगनविला आप देख रहे हो पिंक कलर का, ये मेरे घर के बिल्कुल बगल में इतना बड़ा सा एक पेड़ हुआ है, और इसके जो टहनियाँ हैं ना वो मेरे बालकनी में आ जाते हैं, अच्छा लगता है। आज बनेगा प्याज और मशरूम वाली सब्जी, रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। रेसिपी शेयर किया था पहले, बनाया क्या आपने? डंग डंग, आज यहाँ पे बनेगा भाजा पीठे, मूंग दाल का भाजा पीठे, ठीक है। तो ये जो है कुछ शेप करके रख दिया है, और यहाँ पे कुछ ऑलरेडी ऐसे मतलब ढक के रखा है ताकि ये फट ना जाए, एक्चुअली मॉइस्चर बना रहे, इसलिए मैं ये ढक के रखती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पीठा का जो पर्व है वो एक्सटेंड होता रहता है, तो आज मैंने सोचा आज भाजा पीठे बनाते हैं। भाजा पीठे उनको भी बहुत पसंद है, आनू को उतना पसंद नहीं है, वो खाती नहीं है। एक खाएगी ज़बरदस्ती, नहीं तो नहीं खाएगी। बाकी मैं और वो दोनों मिलके खाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ही बनाया है। तो ठीक है, चलो आज यहीं से ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। पता नहीं कितना कंटिन्यू कर पाऊँगी, क्योंकि आनू उस रूम में पढ़ाई कर रही है, तो मैंने सोचा ये मैं बनाती हूँ और आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर कर लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। पहले मैंने ये एक छोड़ा था देखने के लिए, मतलब बहुत टेंशन होती है फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो आपके साथ होता होगा कि नहीं, ये इसलिए मैं पहले छोड़ के देखते हैं। परफेक्ट, सबसे जो ख़राब बनाया था, मतलब ये थोड़ा थोड़ा क्रैक वाला बनाया था, वो मैंने सबसे पहले दिया जस्ट फॉर चेक। तो ये अच्छा ही बना है। ये कुछ और रेड कलर का होगा, थोड़ा और फ्राई होगा, फिर मैं निकाल लूँगी, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप मन से बनाते हो और वो आपको 100% रिजल्ट देता है तो अच्छा लगता है ना? अच्छा, आपको ना एक तोड़ के दिखा देती हूँ, देखो कितना खस्ता बना है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। पीछे से किसी का आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है, आनू है। आनू, तुझको तो ये सब पसंद नहीं है, कैसा लगा? अच्छा लगा, मेरे को पसंद नहीं है फिर भी अच्छा लगा मेरे को। ओह माय गॉड, क्लियर फीडबैक दिया तुमने। जाओ पढ़ाई करो। अब बेटी पढ़ाई कर रही है, उसके साथ बैठ के माँ भी तो कुछ पढ़ ले, तो मैंने सोचा आज लाइब्रेरी से कुछ अपनी पसंदीदा बुक निकालते हैं और उसके पास जाके बैठते हैं, पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, आज आनू की स्कूल टिफिन में बनेगा पूरी, और यहाँ पे है आलू भाटी, मतलब आलू फ्राई किया है नॉर्मल कलौंजी और ग्रीन चिली के साथ। एक्चुअली आज उसका लास्ट एग्ज़ाम है, और साथों साथ आज लास्ट डे ऑफ स्कूल भी है, इसके बाद हॉलीडेज हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड्स के से पहले और स्कूल कंटिन्यू नहीं होगा। तो आज मेरा मन थोड़ा थोड़ा ख़राब हुआ, तो यही उसके कुछ दोस्तों के लिए भी बनाऊँगी, ये नहीं है, इसके बाद भी पूड़ियाँ बनाऊँगी और भी टिफिन बनेगा, मतलब ब्रेड सैंडविच वगैरह ये सब बनाऊंगी। तो आज सुबह सुबह कुछ बिजी हूँ, बट इसमें भी आनंद है,
बहुत दिनों के बाद मतलब फिर से बच्चों के लिए कुछ बना के दे रही हूँ। तो चलो ये सब कर लूँ फिर आपसे मिलूँ। भी रेडी है और इधर आलू भी रेडी है, इधर कुछ इस तरीके से लाल 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 बनता है ना, तो अच्छा लगता है खाने में और बच्चों को यही पसंद है। मैंने सोचा था दम आलू दूंगी, आलू बोल रही यही पसंद है, ठीक है यही सही। आज उसके लिए फ्रूटी बीन मांगे, कॉम्प्लीमेंट्री एक्चुअली मांगा तो नहीं है बट लास्ट डे है इसलिए। गुड आफ्टरनून, अभी दिन दहाड़े एक चूना लग गया, अभी अभी गैस और हॉब सर्विसिंग के लिए आया था। एक्चुअली एक बर्नर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था तो उसी के लिए बुलाया था, तो एक के लिए प्रॉब्लम होगा तो बुलाना ही पड़ेगा। अभी जो जो मार्जिन है वो चार्ज है वो तो लेगा ही, ऊपर से खोलेगा उसका अलग से चार्ज। एक पार्ट चेंज किया वो तो कम का ही है, 250 का शायद, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा खर्चा हो गया। सो चलो अभी मैं नहाने जाऊंगी, बहुत लेट हो गया है, खाना वाना बना चुकी हूँ, आके पूजा करके जब लंच के लिए बैठूंगी तब उस टाइम पे आपके साथ शेयर करूंगी क्या खाना बना। मेरा शक्ल पूरा खराब हो गया, मूड ऑफ हो गया, मैं जो पैसा मतलब सडन खर्चा हो जाता है ना उस टाइम पे मुझे बहुत तकलीफ होती है और कुछ नहीं। चलो क्या कर सकते हैं, एक बार चेक भी हो गया ऊपर से, लेट्स गो। हाँ क्या आते हैं ना, नींद से उठ के ही इतना ज़्यादा तेल लगाया था, अभी सर भारी भारी लग रहा है, दो बार छींक भी लिया मैंने। ज़्यादा देर तक मैं सर पे तेल नहीं रख सकती हूँ, लेकिन आज ये देखो इतना लेट हो गया, अभी 1:15 बज चुका है ऑलमोस्ट। चलो नहा के आते हैं, नहीं तो बकबक करूंगी और भी लेट हो जाए। नहा के जस्ट अभी अभी पूजा करके आई हूँ, चलिए आपको दिखाती हूँ आज क्या बनाया है, तब तक मेरे पेट में खाना हजम नहीं होता है। तो आज का बहुत सिंपल मेन्यू है, आज है दाल, क्योंकि आज ये क्लीन करने के लिए आ रहा था तो इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाया। ये आलू गोभी की सब्जी जो आधा मैंने टिफिन में दे दिया, और यहाँ पे है धनिया चिकन, चिकन थोड़ा सा था घर पे तो उसी से धनिया चिकन बनाया। रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर किया था इसलिए नहीं किया, ये बहुत मस्त बनता है, यम्मी। अगर आप चाहते हो तो ढूंढ के मैं लिंक आपको भेज दूँगी, ठीक है। चलिए मैं लंच कर लेती हूँ, आनू तो अपने स्कूल में फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रही है पूरी और आलू भाजी। तो चलिए मैं भी खाना खा के आपसे मिलूंगी बाद में। आ गई है स्कूल से लास्ट एग्जाम देके, और आनू पूरी के बारे में क्या बता रही थी? आपने 10 पूरियां दी थी मुझे, मैंने एक भी नहीं चखा, मेरे फ्रेंड चट कर गए, सारे चट कर गए, 10-10 खा गए यार, आलू एक आलू तक मुंह में नहीं डालने दिया, सारे खा गए। अच्छी बात है, मतलब उनके लिए बनाया था आपने। हाँ उन्हीं के लिए बनाया था, बट तेरे लिए भी था। क्या करूं, खाली हो गया, खाली हो गया। 10 दोस्त है, सारों ने सारे सबने सबने मिलके चला, मैंने उनका खा लिया। अच्छा है ना, फिर इवनिंग का वक्त है, कुछ समय भी हाथ में है, कल छेना बनाया था तो आज उसी छेने से बना रही हूँ सौंदेश। हमारी वेस्ट बंगाल का सौंदेश कितना फेमस है वो तो आपको पता है, और वो अगर नोलेन गुड़ का हो तो बात ही कुछ और है ना। अब तो इधर बेंगलोर में बहुत सारे बंगाली दुकान हैं जहाँ पे ऐसे ही सिमिलर सौंदेश मिलेगा, लेकिन मैंने सोचा अपना हाथ जिंदाबाद, लास्ट टाइम भी आपके साथ रेसिपी शेयर कर दिया था तो सोचा बना ही लेते हैं लगे हाथ। अभी गर्म है इसलिए नरम है, थोड़ी देर के बाद ना ये शेप में आ जाएगा और हार्ड हो जाएगा, फिर कौड़ा पाके सौंदेश बन जाएगा। कैसा लग रहा है देखने में, और भी तो बनेगा, आज का शो स्टॉपर। कैसा लग रहा है देखो, गरम गरम सौंदेश, गरम गरम सौंदेश बन के रेडी हो गया है। ये कौड़ा पाके नोलेन गुड़े सौंदेश, मतलब विंटर में ये वाला सौंदेश का बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो चलो घर पर बना लिया, बहुत ही ईजी था रेसिपी, बट थोड़ा बहुत ट्रिक्स एंड टिप्स की ज़रूरत है जो पहले भी मैंने दे दिया है ऑलरेडी, लास्ट 2-3 बार बनाया था उस टाइम पे भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। सो अभी इसको ठंडा होने देते हैं, ये हार्ड हो जाएगा तब खाने में मज़ा आएगा। कौड़ा पाके नोलेन गुड़े सौंदेश गरम गरम एकदम हाथ गरम, वैसे ये ठंडा होने के बाद थोड़ा हार्ड हो जाएगा तब खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। एक एक पीस 30 रुपीस का, उससे भी ज़्यादा शायद। हमारा रात का खाना रोटी, धनिया चिकन और प्याज, उफ और क्या चाहिए, सर्दियों के मौसम में ऐसे गर्मा गर्म खाना मिलेगा तो, साथ में डेजर्ट तो है ही, एकदम एक नंबर। देखो
सो गुड मॉर्निंग. कल आपको बोला था कि आनू का लास्ट डे ऑफ स्कूल है, बट ये नहीं है. आनू आके बोल रही है और एक सर्कुलर भी आया है कि एक हफ्ता और स्कूल होगा, उसके बाद ही छुट्टी पड़ेगा. एक्चुअली आज मौसम बहुत अच्छा है, मतलब एकदम विंटर वाला मौसम है. सडनली बेंगलोर में तो विंटर का कुछ अता पता नहीं था, बट आज अच्छा लग रहा है. आनू बहुत देर तक इधर खड़ी थी, तो उधर दो चिक्स को देख के आनू बहुत खुश हो रही थी. अच्छा लगता है सुबह सुबह नेचर. चलो आज वो वक्त पे जाएंगे जल्दी जल्दी. ठीक है, दाल भिगो दिया है, सुबह सुबह भिगो दूंगी ना, तो थोड़ा नरम हो जाते हो तो जल्दी से सीटी आ जाती है. यहाँ पे मैंने लिया है मूंग दाल और उड़द का दाल. इसके अंदर लेके आई थी फ्रेश सब्जी, लौकी है और करेला है, छोटे छोटे करेला. तो आज यही बनाऊंगी लंच के लिए, लौकी की सब्जी और करेला. तो आप सोच रहे होंगे दी आज दूध से फिर से क्या बना रहे हो आप. आज मैं नूलन गुड़ेर पायस बनाऊंगी. विंटर सीजन में हर घर में हमारे उधर ये पायस भी बनता है. ठीक है, तो आज आने के वक्त दूध भी लेके आई थी, तो सोचा अपने लिए अपनी पसंदीदा चीज़ बना ही लेती हूँ आज. और ब्रेकफास्ट में था ये, बहुत ही सिंपल. तो बन गया आज का लंच मेनू. यहाँ पे दाल है और लौकी की सब्जी है, यहाँ पे है करेला और पम्पकिन के साथ एक चौचुरी टाइप बनाया है. यहाँ पे भिंडी फ्राई आप देख सकते हो और यहाँ पे है चटनी. ठीक है, यहाँ पे है विंटर स्पेशल नोलेन गुड़ का खीर, मतलब नोलेन गुड़ेर पायस. ये जो साइड से आप देख रहे हो ना, ये ज़्यादा टेस्टी होता है. अच्छा, हर बार तो सबको बहुत सजा के अच्छे से खाना बना के देते हो, कभी अपने लिए भी ऐसे परोसा है क्या? करके देखना, अच्छा लगेगा. गुड इवनिंग दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद एक वेब सीरीज देख रही थी, पता है आपको, बहुत महीनों के बाद, जो मैं खत्म नहीं कर पाई क्योंकि आनू आ गई है स्कूल से और उसके साथ नहीं देख सकती. सब देखने वाले मूवी तो नहीं होते हैं ना. सो नेक्स्ट वीक फिर से देखूंगी. वैसे आनू का स्कूल एक हफ्ता और एक्सटेंड होगा, सो उस टाइम पे देख लूंगी यह बात. आज इवनिंग में कहीं पे जाना है, एक तो एक डेंटल अपॉइंटमेंट है आनू के लिए और दूसरा जो है बता दूं वो एक्चुअली आनू के ब्लाउज स्टिच करवाने के लिए जाऊंगी और कुछ नहीं. आनू बताने के लिए मना किया है क्योंकि वो उसी दिन आपके साथ शेयर करना चाहती है. सो चलिए ठीक है, तो मैं रेडी हो जाती हूँ, नहीं तो वो चिल्लाएगी. अभी नहाने गई है, फ्रेश होके हम दोनों जाएंगे. इसके कांधे में क्या है पता है, झोला लेके जा रही है अपनी साड़ी, अपना बोझा खुद उठाती हुई जा रही है आनू. हाँ, अभी भी धूप है, आप देख के समझ सकते हो यहाँ पे कुछ भी विंटर नहीं है, ठंड भी नहीं है. अरे वाह, यहाँ पे एक नर्सरी खुला है, देख आनू, दिखाती हूँ. ये देखो कितना सुंदर सुंदर फूल है, बाद में आऊँगी. ठीक है,